क्या खतरनाक व्यू है। अरे लौंडिया खड़ी है, ठीक है, इंतजार कर रही है। चलिए गाइस, और भैया आराम से, दोपहर के 12। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे, वैक्सीन लगवा लिया होगा। तो गाइस आज है 20 अगस्त, आज है अमरीश भाई का बर्थडे और हम लोग जा रहे हैं थोड़ा घूमने टहलने शॉपिंग करने। वो थोड़ा बिजी है, कोई लाओ भी, मेरा ला लाओ, मेरा वाला कौन सा पास। मास्क भैया ले रहे हैं क्योंकि जहाँ जा रहे हैं वहाँ मास्क के बिना एंट्री नहीं है, ना तो फाइन पड़ेगा, इसलिए थोड़ा जा रहे हैं घूमने टहलने और थोड़ा वो शॉपिंग सामान वामान खरीदने जाना है। शाम को पार्टी निकल रहे हैं, 3 लोग जा रहे हैं, बाकी सब लोग भैया बिजी हैं, बड़े लोग ना जाओ भैया। चले गए चलते रास्ते में, गाइस पहुँचने वाले हैं बिठूर, यहाँ बहुत तगड़ी बारिश हुई है, 3 जने जा रहे हैं भैया, थोड़ा थोड़ा गए भीग, इसलिए चश्मे पे हल लग गया पानी, इसलिए चश्मा ऊपर कर दिया है। बस पहुँचने वाले हैं बिठूर गंगा घाट और जा रहे हैं कहाँ, जानकी कुंड, जानकी कुंड जा रहे हैं घूमने। मोटर देखो पीछे बैठी है, मोटर सबसे पीछे बैठी है भैया। हाँ सुधांशु आश्रम जा रहे हैं, जानकी कुंड तो पीछे छूट हुआ भैया। वो टाइमिंग ड्राइवर आराम चला रहे हैं, कहीं स्कूटी फिसल ले जाए। तो गाइस पहुँचने वाले गंगा के पुल पर निकलते हैं। तो गाइस पहुँच चुके हैं गंगा बिठूर घाट के पुल पे, गंगा वाले गंगा जी की मेन धार, गाइस कानपुर में एंटर कर चुके हैं। यहाँ से पता नहीं कितनी दूर है भैया, हमको तो पता नहीं है, यही लोग हमका लिवाग लाई हैं, इनके पता है भैया। भैया आगे गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, गाड़ी कानपुर में एंटर करे, मुझे 10 मिनट हो चुके हैं, स्कूटी चल रही है, ऐसा तो नहीं रास्ता तो भूल गई हो। हम लोग आ चुके हैं सुधांशु आश्रम कानपुर, बहुत ही बढ़िया बना है, जो भी एक बार आए जरूर विजिट करें, कानपुर आए तो सुधांशु आश्रम जरूर विजिट करें, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। हमारे दोनों साथी, एक साथी इधर चल रहा है, एक साथी इधर चल रहा है, और जो नहीं आया है घर से वो बहुत बड़ा यहाँ क्या किया है इसके, क्योंकि आने वाली फुल मस्ती है, मौसम भी हो चुका है बिल्कुल सुहाना। गाइस दिखाते हैं आपको बहुत ही बढ़िया नज़ारा। भैया 60 रुपये टिकट लीन है, 60 रुपया, बड़ी महंगाई आ गए, पहले भैया 10 पड़ रहा है। गाइस अंदर बहुत खतरनाक खतरनाक आवाज़ें आती है, बैकग्राउंड की आवाज़ सुनिएगा, और आपको मैं बैक कैमरा। अब भैया हम लोग आ चुके हैं गुफा के अंदर, अरे मोनी चल रही है, अरे मोहम्मद आराम से लग फिसलिए तो मत लीजिए भैया, बहुत रफ्तार है, बहुत रफ्तार है आपको, क्या खतरनाक व्यू है। अरे लौंडिया खड़ी है, ठीक है इंतजार कर रही है। चलिए गाइस, और भैया आराम से आए हो, भैया बहुत खतरनाक आवाजें आ रही हैं, और भैया बहुत खतरनाक जगह है इनका भैया, यह गुफा या खतरनाक बनी है, यहाँ कैमरा वाला लगे हुए चाहिए। और भैया एक गाय माता खड़ी है मेरी, चलो बड़ो चल, वो बैठे मौज कर दी, आवाज देखिए कैसे आ रही है, जैसे जिसको हॉन्टेड हाउस कहते हैं भैया, शेर है, और शेर है शेर जिसको बोलते हैं हॉन्टेड हाउस। तो गाइस ये हैं आधे शिव जी और आधे पार्वती माता, अर्ध नारेश्वर भगवान जिन्हें बोलते हैं। हाँ यार ये गलती हो गई है, भैया अहिमा गुस्से पड़ी, लाइट जलाओ, लाइट लाइट जलाओ, मोटो कि हम आगे आई लाइट जलाइए। तो गाइस वहाँ बड़ा वो था, हम फिर गाय माता के पास, यहाँ मोटो फोटो खिंचा रही है, तो फोटो खींच रहा, मोहनी फोटो खींच रही है, और आई अच्छी आई कि नहीं अच्छी आई, ये अच्छी नहीं आई बता रही भैया, अब दूसरी खिंचा रही, चलो खिंचाओ 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 खिंचाओ, ये पोज दिया जा रहा है, आगे आगे मैं मोटो, अरे हमका ले लो, चलो अमा भाई अमा बड़ा झुके पर रहा,
भैया निकल जाए, अम्मा भैया निकल जाए। अब यहाँ क्या है, अब भैया यहाँ यहाँ पे हैं ये साईं जी हैं, और बाकी ये पता नहीं कहाँ है भैया, हमका हम इतने बड़े भक्त हैं नहीं। लिखा है श्री कृष्ण संपत्ति सुदामा जी के चरणों में धरोहर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए। भैया बहुत हैप्पी है, अब भैया ये चढ़ाई आ चुकी है, चढ़े चढ़े अब भैया जीना आ चुके हैं, क्योंकि पूरी गुफा घूमनी होती है, पूरी गुफा भैया घूमे होते हैं, बड़ा थक गए हम जिंदगी। भैया यहाँ कहा है, यहाँ देखिए शिवलिंग बना है, क्या शिवलिंग बना है भाई, क्या लाजवाब शिवलिंग है, ऊपर से पानी टपक रहा है, गंगा जल जिसे बोलते हैं। ए अंकल वाले हो, अंकल पता नहीं है फौजी पे, चलो भैया सिमरी जा रही चिल्ला गए रही। हाँ बड़े अजीब गुफा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये देखो फिर नीचे। हाँ भैया ये देखो यहाँ हवा चल रही है, पंखा पंखा चल रहा। अब भैया ये है कि कौन है पता नहीं। अब भैया बाहर आ चुके हैं, पर बारिश होने लगी है, बारिश का मौसम है भैया, बहुत शानदार, बहुत मज़ा आया, मज़ा आवा कि नहीं आवा, बहुत मज़ा आया। और जंगू तुम यहाँ होती हो मजा आते है तुम बेटा, बस अपन बर्थडे घर ही मनाओ, यहाँ आते यहाँ केक लगा जाते यहाँ काटा जाता है, तो ना बनता है काम कहे, यहाँ बनता कि ना बनता, यहाँ केक काटा जाता है, तो यहाँ इतना मजा आता है कोई जवाब नहीं, लेकिन चलो अपने घर में है भैया, बिजी आदमी है भैया, वो बिजी आदमी कही देखो मरी जा रहे हैं। हम भैया व्लॉग बना रहे हैं, व्लॉग हम भैया व्लॉग बना रहे हैं, व्लॉग हम व्लॉग बना रहे हैं, व्लॉग। तो गाइस चलिए देखते हैं आगे और क्या है कुछ होने वाला है। गाइस देखिए ये शिव परिवार, और सावन में सुधांशु आश्रम नहीं है तो कहाँ है, कहाँ जा रही हो, झूला झूलियो तो जाओ। तो गाइस आप अगर सुधांशु आश्रम नहीं आए सावन में तो क्या आए हैं, बहुत ही एंटिक चीज है, बहुत ही जहर चीज है भैया। चलिए यहाँ एक स्लो मोशन वीडियो बनाते हैं, अभी देखो गाइस कहाँ उतारे, कहाँ है गुफा, चलो भैया जहाँ चलना है गाइस। बहुत ही बढ़िया नज़ारा है, बहुत ही प्यारा नज़ारा है यहाँ का, चश्मा उतार देते हैं क्योंकि चश्मे से बिल्कुल धीमे धीमे दिख रहा है, आप ठीक दिख रहा है गाइस। यहाँ हरियालीपन बहुत है, देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हैं, और यहाँ ये भी हो रहा है, क्या गजब के बहुत ही प्यारा नज़ारा है, कृपया ये मंदिर लग रही ना जो एकदम बनना है, ऐसे ही मंदिर बनना है, उसी की थोड़ी कॉपी टाइप की है। और ये हाथी हैं कितने प्यारे प्यारे, ज़रूर आए एक बार, अगर कानपुर इस तरफ बिठूर साइड आते हैं आप तो बस ज़्यादा नहीं, बिठूर से 10 किलोमीटर आगे सुधांशु आश्रम पड़ता है, विजिट जरूर करें, बहुत ही मज़ा आएगा, सुकून मिलेगा एक टाइम पे, सुकून जैसा बिल्कुल महसूस होता है। यहाँ मोनी का फोटो खींचोई है, रथ ये है अर्जुन जी का रथ, आगे कृष्ण जी बने हुए हैं, यहाँ फोटो खिंचाने जा रही हैं। और यहाँ सिटी कैब जा रही भैया, लंडा छेड़ रही ऐसे ऐसे छेड़िए लंडा गाइस। ये मंदिर लग नहीं रहा अयोध्या जैसा मंदिर बनना है, वैसे ही बिल्कुल मंदिर लग रहा है गाइस, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। रथ ओर की नज़र परिसर में अंदर और बाहर फ़ोटो खींचना सख्त मना है, लेकिन यहाँ भैया ये देखो नियम का उल्लंघन चल रहा भैया, वो देखो नियम का उल्लंघन चल रहा, मार ज़बरदस्त सब फ़ोटो खींची जा रही। अब भाई रुको बताई एक आड़ मगर सिटी हो जाए खाती ना खाली, ये मोटो फोटो खिंचा रही है भैया, मुनी फोटो खींच रही है भाई। पूरा आश्रम घूम लिया है, अब निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि बहुत सारी तैयारी भी करनी है, अभी सजाना बजाना भी है, बर्थडे भी है शाम को। अपनी स्कूटी कहाँ खड़ी है, खड़ी है अभी, मोटो फोटो खींचा डाल रही है, पता नहीं क्या कहीं कहीं गई हैं, और जादू होटल है। चलिए गाइस निकलते हैं, मिलते हैं रास्ते में, लगी है भूख, कुछ खाई भी भैया, फिर निकलते हैं घर। तो गाइस रास्ते में होने लगी है बारिश, बहुत तगड़ी बारिश हो रही है, बैठने के रेस्टोरेंट बहुत भूख लगी है, सुबह कुछ हम तो खाए नहीं है, ये खाए थे
ऑर्डर दिया जरूर उस तक आता है। मोटो फोन चला रहा हूँ खैर, आगे कमेंट डिसीजन का ब्लॉग अमरीश के चैनल पे मिलेगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल से जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वॉच कर दी जिंदगी जी आसानी चाहिए। चलिए ठीक, बाय बाय।